नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। बीजेपी ने 9 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची फिलहाल जारी कर दी है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद जाएंगे और सभी 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट मिला, जिसमें भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर को टिकट दिया है। साथ ही नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी को मिला है टिकट, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को टिकट मिला है और साथ ही साथ दोहरे और शर्मा पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो सभी 7 मंत्रियों को फिलहाल जो नाम सामने आए हैं, जिनमें भूपेंद्र सिंह का नाम, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी और बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को फिलहाल टिकट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी अपनी संवाददाता स्वाति पाठक से। स्वाति, नाम अब सामने आ चुके हैं लगभग? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है और उत्तर प्रदेश से 9 एमएलसी के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम है, दयाशंकर मिश्र दयालु का नाम है, जेपीएस राठौर का नाम है, नरेंद्र कश्यप का नाम है, जसवंत सैनी का नाम एमएलसी के लिए है, दानिश आजाद अंसारी का नाम है और जो है मुकेश शर्मा का नाम है, बनवारी लाल दोहरे का नाम है। यानी कुल मिलाकर 9 नामों की घोषणा एमएलसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। जी बिल्कुल, जो ये जो नाम लिखे स्वाति सामने आए हैं, लगभग ये नाम फाइनल थे। अब एक तरीके से कहा जा सकता है साफ तौर पर कि एक औपचारिक मोहर लग गई है। जी बिल्कुल, देखिए कई नाम ऐसे थे जो पहले से ही चल रहे थे कि जिनको बीजेपी जो है एमएलसी उम्मीदवार बना सकती है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था और जेपीएस राठौर का भी नाम था और लगातार जो है चर्चाएं थी कि इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी एमएलसी उम्मीदवार बनाएगी और जब अब बीजेपी ने घोषणा कर दी है तो इन उम्मीदवारों के जो नाम है वो सामने आ गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य का भी है और तमाम वो नाम यानी 9 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह से लेकर जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी तमाम नाम है जिनके लगातार चर्चाएं भी थी कि भारतीय जनता पार्टी एमएलसी उम्मीदवार बना सकती है। जी बिल्कुल, और उम्मीदवारों के नाम जिस तरीके से सामने आए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के अगर स्वाति बात करें तो विधान परिषद भेजे जाएंगे, ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि साफ तौर पर एक उनका कद और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की हार हुई थी और उसके बाद लगातार जो है चर्चाएं थी कि एमएलसी केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है और ऐसे में जिस तरह से डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य लगातार काम कर रहे हैं उसमें शुरू से ही इनका नाम यानी केशव प्रसाद मौर्य का नाम चर्चा में था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एमएलसी बनाएगी और ऐसे में जब उम्मीदवारों की सूची सामने बीजेपी की आई है तो उसमें सबसे अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का ही है और एमएलसी के तौर पर वो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से मुकेश शर्मा को टिकट मिला है, इसी के साथ तो बीजेपी के 9 प्रत्याशी हैं जिनकी सूची जारी हुई है और अपने दर्शकों को बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें 9 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, वो सूची भी हम अपने दर्शकों को बता रहे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद जाएंगे और साथ ही साथ बीजेपी के जो 9 प्रत्याशी जिसमें 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट मिला है। 7 मंत्रियों की अगर स्वाति बात करें तो साफ तौर पर एक अच्छा काम किया जिस तरीके से, चाहे वो जेपीएस राठौर को टिकट दिया गया है तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि काम के तौर पर उनको एक आगे बढ़ाया गया पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जिन 9 नेताओं के नाम एमएलसी के लिए घोषणा की गई है, जिन 9 नेताओं के लगातार जो है पार्टी की भी नजर केंद्र नेतृत्व की भी थी और अगर आप गौर करें तो दिल्ली दौरे पर भी लगातार नेता पहुंच रहे थे और चूंकि जिस तरह से काम अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल उत्तर प्रदेश में की है, ऐसे में जो है केंद्र नेतृत्व का नजर लगातार उत्तर प्रदेश पर है कि लोकसभा चुनाव भी सामने हैं और ऐसे में कामों पर लगातार नजर भी बनाए हुए के नेतृत्व ने रखा हुआ है और 9 नामों की जो घोषणा की गई है इसमें अगर आप देखें दानिश आजाद अंसारी का भी नाम है जो एक मुस्लिम चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के और ऐसे में जो भी नाम अगर आप जेपीएस राठौर के भी नाम को देखेंगे तो तमाम वो नामों की बिल्कुल बिल्कुल। चलिए स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल 9 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़ गए। अभिषेक, लगातार जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर के, लेकिन अब तस्वीर साफ है, स्पष्ट है, नाम भी सामने। अभिषेक
देखिए एक्सपेक्टेड था, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो सात नाम कौन होंगे। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और ये सरकार में मंत्री हैं, तो इनको एज एक्सपेक्टेड कि इनको दोबारा मौका मिलना था। और पांच ऐसे मंत्री हैं जो कि अभी किसी भी चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनको भी दोबारा मौका मिलना था। यानी सात मंत्री ऐसे थे जिनको मौका मिलना था, ये पहले से तय था। ये सात नाम इस लिस्ट में है, ये पहले से इस बात की सुगबुगाहट थी कि ये सात नाम तो रहेंगे। लेकिन जो दो नाम सामने आए हैं, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा, ये बिल्कुल नए हैं। मुकेश शर्मा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं, बनवारी लाल दोहरे भाजपा के पुराने एक नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया गया है। ये दो नए नाम जो ऐड हुए हैं, ये इस लिस्ट की यूएसपी है, इसकी खासियत बता रहे हैं। सात नाम पहले से लगभग तय थे, पांच ऐसे मंत्री हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनको छह महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना था तो उनको मौका दिया जा रहा है। इस बार उनको एमएलसी बनाया जा रहा है, विधान परिषद भेजा जा रहा है। जबकि दो ऐसे नाम थे, केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो इनको भी मौका मिला है। लेकिन जो दो नाम इसके अलावा बचे हैं, सात मंत्रियों के अलावा, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा, ये एक चौंकाने वाले दो नाम है। क्योंकि मुकेश शर्मा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं, दो बार से, दो टर्म से वो लखनऊ महानगर का कामकाज देख रहे हैं, लेकिन अब उनके काम को देखते हुए पार्टी उनका एलिवेशन कर रही है, उनको सीधे विधान परिषद भेजा जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुकेश शर्मा का नाम आया था कि लखनऊ कैंट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उस दौरान उनके नाम काफी पीछे चला गया, लेकिन उनको विधान परिषद भेजा जा रहा। बनवारी लाल दोहरे बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक कार्यकर्ता को इनाम के तौर पर देखा जा सकता है। तो बीजेपी ने अपने नौ नाम सामने कर दिए हैं, अपनी लिस्ट सामने कर दी है। समाजवादी पार्टी चार नाम के साथ विधान परिषद में जा रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि अगर ये यही स्थिति बनी रही तो विधान परिषद में चुनाव नहीं आएगा, 13 की 13 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। बिल्कुल, तस्वीर लगभग सामने है, पूरे नाम सामने आ चुके हैं अभिषेक, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद के बीच एक लिस्ट में भी एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि लक्ष्य 2024 भी अचीव करना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विधान परिषद में बीजेपी आने वाले समय में जिस बहुमत में आएगी, इससे पहले कभी इस हाउस में इतनी स्ट्रेंथ में कोई पार्टी नहीं रही है। अभी 66 सदस्यों के साथ बहुमत में है, 9 सदस्य और ऐड होंगे, इसके अलावा 6 और नाम अभी आने हैं जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए आते हैं, वो भी माना जा रहा है बीजेपी के खाते में ही वो एमएलसी जाएंगे। तो आने वाले वक्त में विधान परिषद में बीजेपी जितनी मजबूत होगी, विधानसभा में बीजेपी बहुमत में है ही, तो ये बीजेपी की स्ट्रेंथ है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई देगी। साथ ही साथ हर वर्ग के लिए रिप्रेजेंटेशन देना है, हर कास्ट और कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देना है, इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके ये काम किए जा रहे हैं। जो लिस्ट है उसमें दानिश आजाद अंसारी को देखिए, सरकार में किसी सदन के सदस्य नहीं थे वो, तो उनको सीधे मंत्री बना दिया गया और अब 6 महीने के अंदर उनको विधान परिषद भेजा जा रहा है। तो ये बीजेपी की अपनी कास्ट कम्युनिटी की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से वो हर वर्ग को साथ में लेके चलने की बात कहते हैं, उसको सेटिस्फाई करने वाली बात है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संतुलन बना रहे सभी जगहों पे। बिल्कुल, जातीय समीकरण की जिस तरीके से अगर बात की तो साफ तौर पर वो भी साधना है, 2024 लक्ष्य है ही। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अब कहीं ना कहीं इन नामों के सामने आने के बाद अभिषेक, अब जो आने वाले समय में जो नाम और सामने आने हैं, जो राज्यपाल की तरफ से मनोनीत होने, इंतजार बेसब्री से है। देखिए, सबसे ज्यादा नजरें उसी पर टिकी रहेंगी, क्योंकि देखिए इसमें सात तो मंत्री ऐसे हैं जिनको रिपीट करना ही करना था, तो इसमें बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी जी। और यहाँ पर कोई संतुलन बनाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इनको रिपीट करना ही करना था। लेकिन आने वाले समय में जो सीटें खाली हो रही, जिसमें 6 पर राज्यपाल से सीधे उनकी संस्तुति पर एमएलसी बनाया जाना है, वो कौन होंगे वो देखने वाली बात होगी। और उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि कैसा संतुलन बनाती है पार्टी, के किन किन वर्ग का संतुलन बनाती है, कहाँ से लोगों को लाती है, पार्टी के जो पार्टी वर्कर्स हैं उनका एलिवेशन किया जाता है, बाहर से तमाम ऐसे लोग आए हैं जो विधानसभा चुनाव में जिनको मौका नहीं मिला दूसरी पार्टियों से, क्या उनको मौका दिया जाएगा। तो कई तरीके के संतुलन बनाने हैं, सीटें कम हैं, मौके कम हैं और संतुलन बनाने के अवसर भी कम हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम सारी जानकारी के लिए।